लगता है कि सरजी जाएंगे लंबे समय के लिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कल कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है। देखते हैं कि कल आगे क्या होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट पाने के लिए वहीं पर अर्जी लगाए। ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में कल सुनवाई होगी, वहीं सेशन कोर्ट अब आगे 30 मार्च को सुनवाई करेगा। केजरीवाल की कोर्ट से मांग है कि मामले की कार्रवाई रोक दी जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए न कहा जाए। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा था कि ईडी की मांग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है, ईडी केवल प्रचार पाने के लिए इस पर जोर दे रही है। दरअसल शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर उन्हें समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई है जिसमें उन्हें कल अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा अगर केजरीवाल छूट चाहते हैं तो उन्हें जो समन जारी हुआ है उसमें पेश होना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में केजरीवाल को पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा यदि वह शारीरिक उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट के समक्ष कल उपस्थित होना ही होगा। ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली सीएम ने खुद अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर दो अलग अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कई समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल की कोर्ट से मांग है कि मामले की कार्यवाही रोक दी जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए न कहा जाए। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा था कि ईडी की मांग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है, ईडी केवल प्रचार पाने के लिए इस पर जोर दे रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।